काउंसिल डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मुख्य केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने के साथ साथ एक अग्रणी ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जो कि एक एसपीवी है, उसे 2015 में 52 लाख से अधिक नागरिकों को डिजिटल साक्षरता अभियान के माध्यम से साक्षर बनाने के लिए अधिकृत किया गया और जिस लक्ष्य को 4 साल में हासिल करना था उसे केवल 2 ही साल में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज देश तरक्की कर रहा है। मेरा कहना है डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करें। ये प्रशिक्षण व्यावहारिक और सैद्धांतिक मॉड्यूल का एक मिश्रण है। ये खासकर पिछड़े वर्ग के नागरिकों को कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस और संबंधित अनुप्रयोग का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है। 20 घंटे का प्रशिक्षण उन्हें आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने और शासन प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। तेलंगाना में करीमनगर जिले के कोरुतला गांव में 58 वर्षीय बीड़ी मजदूर सत्तम्मा देवी ने टैबलेट चलाना और स्काइप पर बात करना सीख लिया है। अब वो दुबई में रह रहे अपने बेटे से कभी भी बात कर सकती है। నా కొడుకు ఇప్పుడు దగ్గర ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది. కంప్యూటర్ నా ప్రపంచమే మార్చేసింది. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ కి సదస్య బైజంతి దేవి కో డిజిటల్ సాక్షరతా అభియాన్ కే తహత్ ప్రశిక్షిత్ కియా గయా. ఇస్కే అంతర్గత బిహార్ కే గయా జిలే మే పిచడే వర్గ కి మహిళాఓ కో సశక్త బనానే కి పహల్ కే రూప్ మే ఏక్ సిఎస్సీ స్థాపిత్ కియా గయా. प्रशिक्षण के बाद बैजंती ने भूसा गांव में महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए उन्हें एकजुट किया और जनधन खातों को खोलकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। शुरुआत में हम जब सीखे गए थे तो हकीकत है कि मतलब हमको माउस भी पकड़ने में डर लगा कि इसको पकड़ेंगे तो हमको लाइन मारेगा, लेकिन जब पकड़ लिए और थोड़ा चलाने लगे तो हमको बहुत बड़ा हिम्मत हुआ अंदर से, तब हम आगे काम करने लगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सीएससी के ग्रामीण उद्यमी कृष्ण कुमार शर्मा ने एक सांकेतिक भाषा के प्रशिक्षक के सहयोग से सुनने और बोलने में असमर्थ छात्रों को प्रशिक्षित किया। आईटी कौशल सीखने के बाद छात्रों के आत्मविश्वास में एक उल्लेखनीय सुधार भी हुआ। एनएलएम कोर्स के पूरे प्रारूप हमने तैयार किया। इस स्कीम को उस व्यक्ति तक क्यों ना पहुंचाया जाए जो वास्तव में उसके हकदार हैं और किसी तकनीकी वजह से वो छूट जाते हैं, तो मैंने वहां तक पहुंचाने की प्रयास किया। इस योजना का ध्यान मुख्य रूप से नागरिकों पर केंद्रित किया गया। इसके साथ ही आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एफपीएस के तहत राशन डीलरों जैसे जमीनी स्तर पर जुड़े हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल साक्षरता का लाभ भी प्रदान किया गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाना था। आज मैं राशन दुकान में ऑनलाइन का काम कर रही हूँ। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब मैं 60 साल की हूँ और कंप्यूटर सीख चुकी हूँ, वैसे कोई भी हो सीख सकता है। डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत लक्ष्य पूरा करने के बाद सरकार ने फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, विशेषकर देश के ग्रामीण इलाकों में इस नई योजना की शुरुआत की है। 2017-18 के दौरान सीएससी एसपीवी द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए पीएमजी दिशा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्यव्यापी लक्ष्य ग्राम पंचायतों के साथ जोड़े गए हैं ताकि एक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। ये योजना 14 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों, विशेषकर गैर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं, अंत्योदय परिवारों, वयस्क साक्षरता मिशन के प्रतिभागियों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों पर केंद्रित है। 20 घंटे के मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल भुगतान के माध्यम से कंप्यूटर,
टैबलेट और स्मार्टफोन्स के जरिए ऑपरेटिंग और संचार के लिए इंटरनेट पर सूचनाएं, विशेषकर सरकारी योजनाओं के साथ साथ कैशलेस ट्रांजैक्शन में भी कौशल प्रदान करेगा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका कौशल हासिल करने में उन्हें सक्षम बनाएगा। राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर ब्लॉक में वीएलई स्नेहलता देवी ने लगभग 4000 नागरिकों को डिजिटल साक्षरता कौशल प्रदान किया, जिसमें बंजारा समुदाय के करीब 150 सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने मोथुका और फतेहपुर ग्राम पंचायतों के नागरिकों को डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान की और उन्हें यूएसएसडी और आधार सक्षम डिजीपे का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया। उनके प्रयासों को सरकार ने सराहा और उन्हें डिजिधन मेले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित भी किया गया। गाँव में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इंटरनेट चलाना सीख रहे हैं, ये मोदी जी का सपना साकार हो रहा है गाँव में। भारत ग्रामीण नागरिकों के सशक्तिकरण के एक ऐतिहासिक बदलाव की राह पर है। सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया यात्रा का हिस्सा बने, वित्तीय और प्रशासनिक सेवाओं तक सभी की पहुंच हो, डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सक्रिय भागीदारी और बदलाव की प्रेरणादायक कहानियां विकास की राह पर बढ़ते हुए सशक्त भारत को प्रदर्शित करती हैं।